चलो चलो, पर्स ढीला करो, थोड़े से पैसे निकालो, शॉपिंग करो। हाँ जी बिल्कुल, फेस्टिवल आ गया, आज दोपहर से शुरू हो जाएगी ये ऑक्शन। और ऑक्शन के अंदर 200 करोड़ रुपए हैं ऑलमोस्ट, 196 करोड़, और 61 खिलाड़ियों को खरीद रहा है। 61 तो मुझे लगता है वैसे खरीदेंगे नहीं, मुझे लगता है 45-50 में एक कहानी जाके कहीं रुक जाएगी। उसके बाद जो होंगे वो सिर्फ विल जस्ट मेक अप द नंबर्स। सप्लाई और डिमांड ओवरसीज खिलाड़ियों की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब वहां पे तो सप्लाई भी है डिमांड भी है। अब भारतीय खिलाड़ियों की अगर करें बात तो डिमांड बहुत सारी है, सप्लाई थोड़ी सी कम है। तो वो कौन से ऐसे 5 खिलाड़ी हैं who will be laughing their way to the bank, यानी कि जिसके लिए कई सारी फ्रेंचाइजीज करने वाली लड़ाई, बेस प्राइस का मल्टीपल्स में कौन कमाने वाला है बहुत सारे पैसे। ऐसे 5 भारतीय खिलाड़ियों की आज मैं करने वाला हूं बात। और क्या हार्दिक पांड्या को तीसरे टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए, इस पे भी कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा, मजा आएगा आज। हैशटैग आकाशवाणी, और ये मेरा बड़ा मजा आता है। देखिए ऑक्शन नाम मेरे दिल के बहुत करीब है, अजीज है। इंडियन इन द इंडियन प्रीमियर लीग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? क्योंकि अगर आपने कोर अच्छा कर लिया अपना तो फिर बाकी चीजें जो है दे विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम। सी यही तो होता है ना। तो अब इसमें सवाल क्या रहेगा, सवाल ये रहेगा कि भाई किस टीम को कितने चाहिए। देखिए अगर आप आरसीबी की तरफ देखें तो वहां सिर्फ 2 भारतीय बल्लेबाज हैं, एक्चुअली देवदत्त पाटिकल और विराट कोहली, एक और है पर वो तो कभी खेले नहीं। तो कुल मिला के है क्या, सिर्फ 2 भारतीय बल्लेबाज हैं, वो तो उन्हें तो भारतीय भी चाहिए, बल्लेबाज भी चाहिए, बॉलर भी चाहिए, उनको काफी चाहिए एक्चुअली। और इंडियंस तो सबको चाहिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में भी देखो तो फिर यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, देन रियान पराग, महिपाल डोमरोर और राहुल तेवटिया, इंडियंस वहां भी नहीं है। अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें और हम देखें किंग्स की तरफ, पंजाब किंग्स, पंजाब या पंजाब किंग्स, आप पाएंगे कि शामी है और अर्शदीप है, और बाकी तो ज्यादा वहां पे भी कुछ नहीं है। दिल्ली में भी देखें तो मतलब आई टेल यू सीरियसली, दिल्ली में ऐसे इंडियन बॉलर्स हो सकते हैं और आरआर में इंडियन बैट्समैन हो सकते हैं। पर अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक सूची तैयार की है कि कौन से ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जिनका भाव काफी लगे। और भाव का मतलब यह है कि जो उनका बेस प्राइस है, मान लीजिए कोई 20 लाख से शुरू होता है, अपन मल्टीपल्स में चलेंगे कि अगर कोई 10 गुना पा जाए तो मैं कहूंगा कि वो बड़ा बहुत बड़ा काम है। क्योंकि 20 लाख वाला अगर 2 करोड़ में बिका आउटस्टैंडिंग, और जो 2 करोड़ के बेस प्राइस है उतने में बिक गया तो ठीक है यार, मतलब यू गेट 2 करोड़, बट मल्टीपल्स नहीं हुए। तो आई एम गोइंग विद माय नंबर 1 पिक इज शिवम दुबे। मेरी समझ के परे है कि क्यों आरसीबी ने उसको छोड़ा, क्योंकि वो जो स्किल लेके आते हैं शिवम दुबे, वो सिर्फ वही लाते हैं, फास्ट बॉलिंग, बैटिंग, छक्के मारने की एबिलिटी, 5-6-7 नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं, 1-2 ओवर आपको डाल के दे सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी सिर्फ 3 है इंडिया में। एक है हार्दिक पांड्या, मिलने वाला नहीं ऑक्शन में किसी को भी, अभी भी क्या बात में भी नहीं मिलेगा। दूसरा है विजय शंकर, वो सनराइज हैदराबाद के पास है। अब एक है शिवम दुबे, अब चौथा खिलाड़ी का नाम बताओ जो ऐसा हो जो मीडियम पेस भी ठीक करता हो और बैटिंग भी करता हो, नहीं मिलेगा बॉस। तो शिवम दुबे इज गोइंग टू ब्रेक द बैंक, मुझे लगता है 8-9-10 करोड़ कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का खेल यहां पर ऐसा है कि पैसे ज्यादा है खिलाड़ी कम है, और उसके लिए बहुत सारी टीम भागेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है किंग्स इलेवन पंजाब में जा भी सकते हैं, किंग्स इलेवन पंजाब में जा सकते हैं, केकेआर में जा सकते हैं। ये आरसीबी को वैसे छोड़ा क्यों, मतलब नहीं छोड़ना चाहिए था, ये उनके पास भी वापस जा सकते थे, बट देन आई थिंक इट्स अबाउट 8-10 करोड़ इज व्हाट आई एम थिंकिंग फॉर शिवम दुबे। मेरा दूसरा खिलाड़ी कौन है, मेरा दूसरा खिलाड़ी कृष्णप्पा कौन, अब इनको भी पंजाब ने छोड़ दिया भाई, बहुत महंगे थे, 5-6 करोड़ के थे, छोड़ दिया, लेकिन मुझे लग रहा है अब ये वापस इतने में बिकेंगे। क्यों, क्योंकि ऑफ स्पिन डालते हैं, छक्के मारते हैं, ऑफ स्पिनर तो चेन्नई के पास है ही नहीं, तो अगर कहीं उनको मोइन अली नहीं मिले या मैक्सवेल उनको नहीं मिल पाए तो फिर किसकी तरफ जाएंगे, और मिल भी जाएंगे तो भी किसकी तरफ जाएंगे। कृष्णप्पा गौतम विल बी इन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स, बैंगलोर का लड़का है, आरसीबी के लिए विल बी इन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स, पंजाब के पास छोड़ दिया पर फिर भी वो शायद सोच सकते हैं, आरआर भी सोच सकता है, मैनी टीम्स जो सोच सकती हैं जिनको शिवम दुबे नहीं मिला वो कहेंगे चलो हम रख लेते हैं यार, मैं तो करो सनराइजर्स हैदराबाद भी सोच सकती है, हर टीम सोच सकती है इनके बारे में, इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो कृष्णप्पा गौतम मल्टीपल्स में जाएंगे इस बार मुझे ऐसा लगता है। तीसरा मैं खिलाड़ी सोच रहा हूँ उमेश यादव, थोड़े से महंगे रहते हैं, इसी वजह से आरसीबी ने छोड़ा था, आई कैन अंडरस्टैंड कि आरसीबी ने क्यों छोड़ा है, पर ये बिकेंगे महंगे गुरुजी, क्योंकि बहुत टीमों के पास फास्ट बॉलर नहीं है, चाहे वो आप पंजाब किंग्स जो भी टीम का नाम है नया, वो उस टीम का देख लीजिए, आप आरआर के पास देख लीजिए, आप आरसीबी के पास देख लीजिए, उन्होंने छोड़ा है, लेना नहीं चाहिए उनको, पर फिर भी हु नोज। तो मेरे विचार में उमेश यादव विल रेक इन द मूला, उनके पास पैसे अच्छे आएंगे, क्योंकि इस तरह का खेला हुआ एक भी फास्ट बॉलर यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। वरुण एरन है, अंकित राजपूत है, पर अगर इन तीनों में से चॉइस हो, अंकित राजपूत, वरुण नारायण और उमेश यादव ऑटोमेटिक चॉइस है, सबसे ज्यादा पैसों में बिकेंगे अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो, भारतीय फास्ट बॉलर्स की बात करें तो। अब चौथे नंबर पे मैं सोच रहा हूँ अजहरुद्दीन और शाहरुख खान है, शाहरुख खान में भी एक्चुअली नंबर 4, क्योंकि वो भी नीचे बैटिंग करते हैं,
संयुक्त मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लगातार बेहतर खेले थे, तमिलनाडु आगे भी गई थी। और ये लप्पे बड़े ठीक मारते हैं गुरु जी, ठीक ठाक ये चौके छक्के मारते हैं, मान लो शाहरुख आगे शाहरुख की टीम में, ओए होए होए क्या बात है। उनको भी चाहिए वैसे वो लोअर मिडल ऑर्डर में कोई बैट्समैन मिल जाए तो वो भी अच्छा रहता है, वरना वो राहुल त्रिपाठी के साथ वो मतलब ऊंच नीच का पापड़ा ही करते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो फिर उनको आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उनमें इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट किंग्स इलेवन को भी हो सकता है, इंटरेस्ट आरसीबी को भी हो सकता है। तो मेरे विचार में शाहरुख खान को पैसे मिलेंगे और पैसे मिल सकते हैं अजहरुद्दीन को। अब ये जो मोहम्मद अजहरुद्दीन है हमारे, ये केरला के लिए खेल रहे थे और एक दिन उन्होंने सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई को ना धो दिया गुरु जी, 10 ओवर में इंडिविजुअल उन्होंने शतक जड़ दिया। अब इतनी अच्छी अगर आप बल्लेबाजी कर देंगे तो फिर सबकी आप नजर में आ जाते हैं। और आई रियली होप दैट ही हैज अ गुड ऑक्शन। और जो कुछ और खिलाड़ी हैं जैसे केदार जाधव, मुझे लगता है वो आरसीबी में चले जाएंगे 2 करोड़ में बेस प्राइस। हरभजन सिंह है, अब वो भी हो सकता है किसी टीम में चले जाए पर जाएंगे बेस प्राइस में। मुझे इनके लिए वो मतलब लड़ाई नहीं दिख रही है, हो सकता है अजहरुद्दीन शाहरुख खान ये 2-2 करोड़ के ना बिके पर वी आर गोइंग विद द मल्टीपल्स ऑफ देयर बेस प्राइस। तो 5 times, 6 times, 8 times, that's the kind of increase that I'm looking for जो हमारे छोटे खिलाड़ी हैं उनकी तरफ। जो हमारे बड़े नाम हैं पीयूष चावला भी किसी की तरफ से जरूर जाएंगे, हो सकता है कि 2-2, 2.5-3 करोड़ में लोग बिके पर मल्टीपल्स अगर हम देखें बेस प्राइस से तो वो इन खिलाड़ियों का शायद नहीं होगा। शिवम दुबे, कृष्णप्पा गौतम, उमेश यादव इनका हो सकता है, दिस इज वॉट आई फील। तो ये तो मेरी वही कहानी, अब अभी बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, कौन बिकने वाला है, कहाँ जाने वाला है एंड ऑल ऑफ दैट। स्टार स्पोर्ट्स पे दोपहर को मिलना जरूर, उस पर भी मैं जरा बात करता रहूंगा आपसे। अब फैंस इंडिया की तरफ चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पिंक बॉल टेस्ट मैच में जो अहमदाबाद की नहीं एकदम पिच पे होने वाला है उसमें क्या हार्दिक पटेल को खिलाया जा सकता है। मे बी, देखिए आप 5 बॉलर खिलाना चाहते हैं, हार्दिक बॉलिंग करनी शुरू कर चुके हैं, सो कैन ही बी अ चॉइस? लेट्स फाइंड दैट आउट फ्रॉम फैंस। ना 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 हार्दिक पांड्या, ना 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 हार्दिक पांड्या, देखो देखो कौन आया, हार्दिक पांड्या देखो देखो आ गया अपना पांड्या, ना 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 हार्दिक पांड्या। जी हाँ, आज बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, मैं हूँ राजुल शर्मा फैंस इंडिया के साथ, और आज डिस्कशन पॉइंट है कि क्या हार्दिक पांड्या को टेस्ट मैच में मौका दिया जाना चाहिए या नहीं। उम्मीद आपसे शुरुआत करते हैं, क्या हार्दिक पांडे को खेलना चाहिए टेस्ट सीरीज में आगे? राजुल देखिए, हार्दिक पांडे हालांकि मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं वो, लेकिन टेस्ट मैच में इंडिया कंडीशंस में मुझे लगता है उनको चांस मिलेगा क्योंकि इंडिया की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी सेट हो गई है 2 सीमर और 3 स्पिनर के होने के बावजूद भी, तो लेकिन मुझे लगता नहीं पांड्या को इस सीरीज में मौका मिलेगा। इंडिया का कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है, बॉलिंग कॉम्बिनेशन, तो हार्दिक पांड्या को चांस नहीं मिलेगा ये कहना है मनमीत का, आप क्या कहेंगे मंजुल? नहीं, मुझे लगता है अगर हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं तो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं। अगर आप अगला मैच देखें जो कि अहमदाबाद में हो रहा है पिंक टेस्ट, उसमें अगर हमें हार्दिक पांड्या खेले एज अ सीमर ऑलराउंडर, कुलदीप यादव को रिप्लेस करें, तो इंडिया को काफ़ी फायदा हो सकता है। बात सही बोली है कि पिंक टेस्ट मैच में वो एज अ थर्ड सीमर खेल सकते हैं। वत्सल क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस पे, टेस्ट फिटनेस पे अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो उनको T20 और वनडे के लिए हमें सेफ रखना चाहिए, उनको रिजर्व रखना चाहिए ताकि वो फ्रेश खेल सकें। इंग्लैंड भी बिल्कुल यही कर रहा है रोटेशन पॉलिसीज, और हार्दिक पांड्या को फ्रेश और रिजर्व रखना चाहिए T20 और शॉर्टर फॉर्मेट के लिए। राहुल आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि हार्दिक पांड्या को नेक्स्ट टेस्ट मैच में खेलना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट मैच जो देखे वो अहमदाबाद में है, उनका होम ग्राउंड है, वो फेमिलियर है उस सिचुएशन से। ऊपर से देखिए आज का अगर पहला दूसरा टेस्ट मैच देखे तो उसमें 300 पे 6 थे, 329 पे ऑल आउट हो गए, तो हमें एक और वैसा बैट्समैन चाहिए जो ऋषभ पंत के साथ बैटिंग कर सके ताकि हम लास्ट जो टेल है वो थोड़ा लंबा स्कोर कर सके। तो मेरा मानना है कि हार्दिक पांड्या को खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को खेलना चाहिए अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह से खेलते हैं, तो अगर वो बॉलिंग नहीं कराते हैं तो मुझे नहीं लगता उनको टीम में चांस देना चाहिए। मुझे ऐसा मुश्किल लग रहा है, देखिए डिबेट में हमेशा यही होता है दो साइड्स होती हैं, पर मेरा ये मानना है कि हार्दिक शायद नहीं खेल पाएंगे, कि मतलब जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें हार्दिक शायद फिट नहीं हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, बट देन आई कुड बी रॉन्ग, लेट्स फाइंड आउट कि क्या होता है। अब बाकी भी फाइंड आउट कर लेते ना कि खेल जगत में भी तो कुछ हो रहा है ना, तो फिर जरा स्पोर्ट्स रैप भी देख लेते हैं कि वहां क्या हो रहा है। टेनिस से शुरू करते हैं आज, और ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर्स में ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास ने राफाएल नादाल को 5 सेट्स में हरा दिया। पहले 2 सेट्स हारने के बाद सिसिपास ने अपना गेम इम्प्रूव किया और अपनी सेमीफाइनल्स की जगह कर दी पक्की। उनका सामना होगा रशिया के मेदवेदेव से, जो अपने ही देशवासी रूबलेव को स्ट्रेट सेट्स में हराए।
वुमेन सिंगल्स के क्वार्टर्स में भी एक बड़ा नतीजा हुआ जब चेक रिपब्लिक के कारोलिना मुचोवा ने वर्ल्ड नंबर वन एश पार्टी को 3 सेट्स में हराया। वो अब सेमीज में जेनिफर ब्रैडी के खिलाफ खेलेंगी, जिन्होंने 3 सेट्स में जेसिका पेचुला को क्वार्टर्स में हराया। और साउथ अफ्रीका से एक क्रिकेट की खबर, फॉर्मर साउथ अफ्रीका कैप्टन फाफ ड्यू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर दिया है। वो अब T20 पे फोकस करना चाहता है, अगले 2 साल के 2 वर्ल्ड कप्स में साउथ अफ्रीका को जीत दिलवाना। फाफ ने अपने 9 साल के टेस्ट करियर में 69 मैचेस खेले हैं, जिन्हें उन्होंने 4,163 रन बनाए हैं 40 के औसत पे। चलिए, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आज तो बहुत मजा आएगा, कल की आकाशवाणी में बहुत मजा आएगा। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। ऑक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट इवेंट्स इन द ईयर, और बड़ा क्लोजली फॉलो करने मजा आता है, क्योंकि आधी आईपीएल तो आप यहीं जीतते हैं ना। मुंबई के पास कौन सा फास्ट बॉलर जाएगा यार, अरे चेन्नई के पास ओपनर कौन जाएगा यार, अरे आरसीबी के पास इतने सारे जगह खाली है उनके पास कौन जाएगा, पंजाब ने भी तो इतने खिलाड़ियों को छोड़ दिया, 53 करोड़ कितने खर्च करेंगे ये, एंड अ लॉट मोर। मजा आएगा जाते जाते आपके शॉर्ट्स में। आकाशवाणी, टेक केयर, बाय बाय। पिन कर लो अपने प्रोफाइल पे और दोस्तों के साथ शेयर भी। व्हाइट बॉल, छोटी सी पिच, छोटा सा ये खिलाड़ी, बढ़िया शॉट, बड़ा शॉट, सफेद गेंद को ये मार मार के कर देगा लाल। वाह मेरे लाल, रंग बदला, खेलने का ढंग नहीं।